रायबरेली के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राणा बेनी माधव की जो जयंती है वो 24 तारीख को ज़िले में मनाई जाएगी, जिसमें जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन होगा रायबरेली ज़िले में, जिसके लिए देखिए ये तैयारियां चालू हो गई हैं। प्रशासन जो है पूरी तरह से साफ़ सफाई करा रहा है और योगी जी यहीं पर आएंगे और आने के बाद में माल्यार्पण वगैरह करेंगे। और ज़िले में कार्यक्रम है राणा बेनी माधव भगत सिंह जी की जो है जयंती है और उसी पर है ये कार्यक्रम होना है। और ये जो प्रतिमा लगी हुई है इसको श्री राम नायक जी राज्यपाल थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। और अमर सेनानी राणा बेनी माधव भगत सिंह जी जो थे वो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके जो है नायक थे और रायबरेली ज़िले में जो है उनका नाम है और वो यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और इन्हीं के नाम पे जो है ज़िले का अस्पताल भी संचालित होता है। जिन्होंने अंग्रेज़ों से लोहा लिया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे और उन्होंने हमें जो है आज़ादी दिलाई। 24 तारीख को जो है ज़िले में योगी जी का कार्यक्रम है। ये हम लोग राणा बेनी माधव सिंह जी की 218वीं जयंती मना रहे हैं। इस क्रम में 23 और 24 तारीख को हम कुछ कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। सर्वप्रथम 23 तारीख को हम सुबह 9 बजे एक रक्तदान शिविर आयोजित करेंगे जो IMA की बिल्डिंग पर किया जाएगा और उसके बाद 10:30 बजे हम फल का जिला अस्पताल और महिला अस्पताल में वितरण करेंगे। शाम को 6:30 बजे राणा की मूर्त स्थल पर हम दीपदान करेंगे। 24 तारीख को प्रातः राणा की मूर्त स्थल पर हम पुष्पांजलि 7:30 बजे करेंगे और उसके बाद हमारा मुख्य कार्यक्रम जिसे हम भाव समर्पण समारोह कहते हैं वह फिरोज गांधी के सभागार में 11 बजे किया जाएगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी शिरकत करेंगे और हमें संबोधित करेंगे। शाम के समय एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है जिसमें देश के प्रसिद्ध कवि हरिओम परवार, प्रोफेसर बरेलवी वसीम बरेलवी, विनीत चौहान और स्वयं श्रीवास्तव, मंजर भोपाली और डॉक्टर तारीफ भाग लेंगे, अपनी रचनाएं सुनाएंगे।